हेलो गाइस, वेलकम हमारे जेक्यूरी की 49th वीडियो ट्यूटोरियल में। इस 49th वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML एलिमेंट्स को वैल्यू सेट करने की ट्राई करेंगे। सो इस वीडियो में हम तीन एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं जिनकी वैल्यू हमने पिछले ट्यूटोरियल में सेट की है। बाकी के एलिमेंट्स आने वाली वीडियोज़ में कवर होंगे, सो आने वाली वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी HTML फॉर्म शो करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे तीन HTML एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट फील्ड है, नंबर फील्ड है और टेक्स्ट एरिया है, जिनको मैंने आइटम वन, आइटम टू और आइटम थ्री के नाम से IDs दी हुई हैं। सो मैं आपको शो करता हूँ अपनी फाइल HTML फाइल ब्राउज़र में। यहाँ यही मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे बटन पर क्लिक करूँ इन तीनों को डिफरेंट वैल्यूज़ को जो सेट हो जाए। सो मैं बटन के क्लिक इवेंट के अंदर काम करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्टर के साथ सिलेक्ट करेंगे हम फर्स्ट आइटम को। यहाँ पे उसकी आईडी मुझे पता है, नंबर सन के साथ आइटम वन है। सो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, तो मैं इसको वैल्यू VEL फंक्शन के साथ सेट करूँगा। और चूंकि ये टेक्स्ट फील्ड है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डबल कोट्स के अंदर होगी। सो लेट्स से माई स्कूल, ये मैंने इसको टेक्स्ट, इस ये टेक्स्ट फील्ड को ये वैल्यू सेट की है। अब हमारे पास सेकेंड आइटम जो है वो हमारे पास नंबर साइन है, तो उसको सिलेक्ट करते हैं उसकी आईडी के साथ, जो उसकी आईडी है आइटम टू डॉट VAL फंक्शन के साथ। मुझे पता है चूँकि ये हमारे पास नंबर फील्ड है तो इसको जो वैल्यू होगी वो नंबर में होगी, और नंबर को सेट करने के लिए हमें डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं सिंपली टाइप यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ 555 से। थर्ड आइटम हमारे पास जो है वो टेक्स्ट एरिया है, तो उसको सिलेक्ट करते हैं उसकी आईडी के साथ डबल कोट्स के अंदर, नंबर साइन आइटम थ्री डॉट VAL। अब चूंकि ये टेक्स्ट एरिया है तो इसमें भी टेक्स्ट होगा, और टेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर देते हैं। हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो हम बगैर डबल कोट्स के देंगे, डबल कोट्स के अलावा। टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, लेट से मैंने ये टाइप कर दिया है कुछ भी, तो ये वैल्यू हमारे उसमें टेक्स्ट एरिया में सेट हो जाएगी। तो अपनी फाइल को सेव करते हैं, आते हैं ब्राउज़र में, फाइल को रिफ्रेश किया। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो तीनों को उनकी वैल्यूज़ जो हमने दी हैं वो सेट हो जाएंगी। तो बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों एलिमेंट्स को वैल्यू जो हमने दी थी कोड के अंदर वो सेट हो गई है। सो इस तरह से हम डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को वैल्यूज सेट कर सकते हैं। हम मज़ीद एलिमेंट्स आने वाली वीडियोज़ में कवर करना करेंगे, जिनको आप देख सकते हैं आने वाली वीडियोज़ में, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होगा, चेक बॉक्स होगा और सिलेक्ट लिस्ट होगी। सो आने वाली वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा, जिसमें मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर बैठें। सो आने वाली वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।